नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 में जनता द्वारा चुनकर आए मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षदों के शपथ ग्रहण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तिथि की घोषणा कर दी गई है। जारी किए गए आदेश में राज्य की 248 नगर पालिका के 70 नगर परिषद, 137 नगर पंचायतों और 17 नगर निगम में दो चरणों के मतदान के बाद चुनकर आए जनप्रतिनिधियों को 13 जनवरी को शपथ दिलाए जाने की बात कही गई है। यह अधिसूचना बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संबंधित जिलों की नगर पालिकाओं के लिए जारी की गई है। इसको लेकर प्रकाशित किए गए राजकीय गजट में निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों के नाम प्रकाशित कर दिए गए हैं। बता दें कि यह शपथ ग्रहण बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 35 के अधीन नगर पालिका की पहली बैठक में 13 जनवरी को सम्पन्न की जाएगी। वही प्रत्येक जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों के लिए शपथ ग्रहण की कार्यवाही संपन्न कराने का निर्देश नगर विकास विभाग द्वारा दिया गया है। बता दें कि भागलपुर समेत राज्य के बक्सर, जमुई, रोहतास, वैशाली, शेखपुरा, कटिहार समेत के जिलों में नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ है। इसको लेकर शपथ ग्रहण होना है जो 13 जनवरी को होना है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कमराई चौक के समीप बीती देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर थाने चली गई। इसके बाद मृतक युवक की पहचान उसके पिता उमेश मांझी और माता सीता देवी ने सुल्तानगंज थाना पहुंचकर अपने पुत्र सुमन मांझी के रूप में की। उमेश मांझी ने बताया कि बुधवार की शाम सुमन घर से निकला था और गुरुवार की सुबह उसके हत्या की खबर थाना पहुंचने पर मिली। वही मृतक के दोस्त बिट्टू यादव का कहना है कि उसके दोस्त सुमन की हत्या कोरेक्स नशा के कारण हुई है, जबकि इस घटना के बाद से परिजनों का बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, जबकि इसको लेकर एक युवक को हिरासत में भी ले लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। ये घटना सर, कोरेक्स और टिकिया खाने पीने के लिए एक एक बूंद के लिए ये लोग मारपीट करता है सर। कोरेक्स पीने के लिए मोबाइल छीन लेता है, कोरेक्स पीने के लिए किसी का पैसा, किसी का बच्चा का कुछ कर लेता है सर। कोरेक्स टिकिया दो चीज हम सुल्तानगंज शहर नहीं, हर एक शहर को बोल रहे हैं कि बंद करवा दिया जाए। कोरेक्स चक्कर में जी, ये मर्डर कोरेक्स और टिकिया के चक्कर में हुआ है, ना पैसा का लेन देन में नहीं सर। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलवा टोला निवासी आर्मी जवान रमन कुमार मिश्रा के घर अज्ञात चोरों ने बुधवार की रात घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात की चोरी कर ली। वहीं इस घटना को लेकर आर्मी जवान के ससुर उमाकांत ठाकुर ने बताया कि आर्मी में कार्यरत उनके दामाद की असम में पोस्टिंग है और उनके घर पर कोई नहीं रहता है। उन्होंने बताया कि सुबह जब आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद इसकी जानकारी उन्होंने अपनी बेटी को फोन पर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बेटी से मिली जानकारी के अनुसार घर से करीब 2.5 से 3 लाख के जेवरात चोरों ने चोरी कर ली है। वहीं इसके बाद सूचना मिलने पर मधुसूदनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। रात में चोरी हो गया, रात में ताला, सवेरे जब आए देखते हैं ताला टूटा हुआ है। अच्छा, किनका घर है ये? ये हमारे दामाद का घर है। अच्छा, डिफेंस में है। अच्छा, JCO में। अच्छा, तो पता चला वहाँ से बच्ची से पूछे तो पता चला 3-4 लाख रुपए का जेवर था, कपड़ा लता था। अच्छा, सब अच्छा अच्छा जो नया नया कपड़ा था वो सब निकाल लिया, जेवरदात ले लिया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पिछले दिनों स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा तिथि घोषित करने के विरोध में छात्र छात्राओं ने जहां प्रति कुलपति और परीक्षा नियंत्रक के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया था, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा तत्काल मौखिक आश्वासन देकर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की बात कही गई थी, जबकि इसको लेकर कोई लिखित आदेश परीक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया था। वहीं मौखिक आदेश पर छात्रों को राहत मिली और स्नातक अंतिम वर्ष छात्र छात्रा अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गए। हालांकि गुरुवार को एक बार फिर से स्नातक थर्ड पार्ट के परीक्षार्थियों के बीच खलबली तब मच गई जब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा लिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया। बता दें कि कुलपति के आदेश पर TMU परीक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी कर स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा 19 जनवरी से आयोजित करने की बात कही गई है।
स्नातक ऑनर्स की परीक्षा का कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसमें 19 जनवरी से पूर्व निर्धारित रूटीन के अनुसार ही परीक्षा होने की अधिसूचना जारी की गई है। वहीं इसको लेकर छात्र छात्राओं का कहना है कि थर्ड पार्ट में ऑनर्स के 4 पेपर होते हैं और दिसंबर माह में ही स्नातक दूसरे पार्ट का रिजल्ट आया था, जबकि इतने कम समय में अचानक परीक्षा की तिथि घोषित कर देने से तैयारी करना मुश्किल है। साथ ही कहा कि बिना सिलेबस के पूरा हुए महज 2 सप्ताह में 4 ऑनर्स पेपर की तैयारी संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भागलपुर के ऑक्सीमीन ग्रुप के प्रमुख आनंद शुक्ला को सम्मानित किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के शहर के नाम से प्रसिद्ध अयोध्या में आयोजित अयोध्या महोत्सव को देखने के लिए भारत समेत दुनिया भर से भगवान राम के भक्त पहुंचते हैं। कई दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में मशहूर पत्रिका सरल सलील द्वारा अयोध्या महोत्सव में ही अपने 4th भोजपुरी सिने अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। करीब 1.5 करोड़ से भी अधिक पाठकों के द्वारा पढ़ी जाने वाली सरल सलील का दिल्ली प्रेस में 35 से अधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। वहीं इसके ही एक अंक लोकप्रिय पत्रिका सरल सलील ने 4 वर्ष पूर्व भोजपुरी सिनेमा से जुड़े लोगों को सम्मानित करने का कार्य शुरू किया था और इस वर्ष भोजपुरी सिने अवार्ड का सम्मान भागलपुर के आनंद शुक्ला को मिला है। कार्यक्रम के दौरान प्रदीप पांडे, चिंटू समेत कई दिग्गज कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिससे आयोजन और भी शानदार हो गया। बिहार के चर्चित बिजनेसमैन और फिल्म निर्माता आनंद शुक्ला को प्रकाशन के विशेष निमंत्रण पर भागलपुर से उत्तर प्रदेश के अयोध्या बुलाया गया था, जहां उन्हें पत्रिका की ओर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री के समक्ष सम्मानित किया गया। साथ ही भोजपुरी सिनेमा में उनके योगदान के लिए आनंद शुक्ला की सराहना की गई। वहीं आनंद शुक्ला ने पत्रिका के प्रबंधन को मंच से धन्यवाद देते हुए समाज को राह दिखाने वाली फिल्मों के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाथनगर प्रखंड कार्यालय स्थित ट्राइसम भवन में प्रागणकों एवं पर्यवेक्षकों को जाति आधारित जनगणना के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण 3 पालियों में संपन्न हुआ, जिसमें प्रथम पाली में रनुचक शंकरपुर एवं राघोपुर पंचायत, द्वितीय पाली में गोसाई दासपुर एवं रतिपुर वैरी और तृतीय पाली में नूरपुर के प्रागणक एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मकान एवं परिवार की जानकारी दी गई, जबकि नजरी नक्शा तैयार करने से संबंधित जानकारी भी दी गई। मकान का नंबरीकरण कर मकान पर नंबर देने के अलावा प्रत्येक मकान में जाकर परिवार के सदस्यों की संख्या दर्ज करने की बात प्रशिक्षण में कही गई। जातिगत जनगणना को लेकर दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में ओज कुमार सिंह, उदयकांत झा एवं राजेश कुमार राय ने प्रागणकों एवं पर्यवेक्षकों को जरूरी जानकारी दी, जबकि इस कार्य को 7 जनवरी से शुरू कर 21 जनवरी तक पूरा कर लेने की बात कही गई। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों से हर तरह के संशय
विषय पर चर्चा कर उसे दूर किया गया। आधारित गणना जो 7 तारीख से 21 तारीख तक होना है, इसी से संबंधित प्रशिक्षण प्रगणक और प्रवेक्षक को दिया जा रहा है, जिसमें कि सबसे पहले उनके द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया जाएगा, उसके बाद नजरी नक्शा तैयार किया जाएगा, फिर हर एक मकान में जो है एक नंबरिंग किया जाएगा, और फिर उस नंबरिंग के आधार पर मकान का सूचीकरण तैयार करना है। तो ये कैसे करना है, इसी से संबंधित आज प्रखंड ये पंचायत वाइज बारी बारी से सबों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी एक रनु चेक वगैरह का हो चुका है, यह दूसरा चरण चल रहा है, ये 6 तारीख तक दिया जाएगा। सुल्तानगंज नगर परिषद और नगर पंचायत अकवा नगर के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और सभी वार्ड पार्षद के लिए गुरुवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बांका सांसद गिरधारी यादव, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और विधान पार्षद विजय कुमार सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान बांका सांसद और सुल्तानगंज विधायक ने नवनिर्वाचित नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, उप सभापति नीलम देवी, अकवा नगर नगर पंचायत के अध्यक्ष किरण देवी, उपाध्यक्ष अनिल यादव एवं सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं बांका सांसद गिरधारी यादव ने सभी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर समय बिहार के विकास के लिए आगे रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग करने के बावजूद एक भी ट्रेन का ठहराव यहाँ नहीं दिया जा रहा है, जो बिहार के लोगों के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार है। मंच संचालन जदयू कार्यकर्ता संजय मंडल और पवन किसान ने किया। मौके पर जदयू कार्यकर्ता डॉक्टर विजय सिंह, एसके प्रोग्रामर विवेकानंद, राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश यादव समेत महागठबंधन के नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति की ओर से भागलपुर के गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरगाकोठी प्रांगण में चल रहे सरस्वती संस्कार केंद्र आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का गुरुवार को समापन हो गया। इससे पूर्व समापन सत्र का उद्घाटन भागलपुर विभाग के विभाग प्रचारक विजेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक, किशोरी पंडित और गंगा चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विजेंद्र कुमार ने कहा कि 3 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण वर्ग में गांव और मोहल्ले में जाकर संस्कार केंद्रों पर बच्चों को तराशने का प्रयास किया गया, जिससे शिवाजी, महाराणा प्रताप और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर स्वाभिमान जगाना ही संस्कार केंद्र का उद्देश्य है। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य अशोक मिश्रा, शिशु मंदिर प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार, शशिभूषण मिश्रा समेत मुंगेर और भागलपुर विभाग के संस्कार केंद्र की टीम मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।